हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। सो गाइस, आज मेरा मन कर रहा है सूजी का हलवा खाने का। सो मैंने अपनी मम्मी को बोला सूजी का हलवा बनाने के लिए। सो मैंने एक सोचा क्यों ना इसका व्लॉग भी बना ले, क्योंकि मेरी मम्मी वर्ल्ड का बेस्ट हलवा बनाती है। तो आई थॉट मेरे को इसका व्लॉग करना चाहिए, और आज मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाऊंगी। सो गाइस, मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी मम्मी से। सो मिलिए मेरी मम्मी से। मम्मी बोलो हाय। हाय। सो गाइस, आज मेरी मम्मी क्या बनाएगी मेरे लिए? सूजी का हलवा। सो गाइस, सबसे पहले हलवे के लिए हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। तो मेरी मम्मी ड्राई फ्रूट्स कट कर रही है। कच्चा बादाम बेबी, कच्चा बादाम। थोड़ी सी किशमिश, किशमिश भी गो लेते हैं वैसे थोड़ी सी। सो गाइस, मम्मी किचन में गई है हलवा बनाने। सो मेरे को उनकी हेल्प करानी चाहिए। सो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। सो चलते हैं फिर किचन में और बनाते हैं हलवा। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में। सो अब स्टार्ट करते हैं हलवा बनाना। सो मम्मी, सबसे पहले क्या चाहिए? एक कटोरी सूजी। सूजी का हलवा बना रहे तो सूजी तो चाहिए ही चाहिए। फिर क्या चाहिए मम्मी? एक कटोरी चीनी। मतलब अगर गाइस एक कटोरी सूजी लिया तो आपको एक कटोरी चीनी लेनी है। और दो कटोरी पानी। और अगर आपने एक कटोरी सूजी लिया और एक कटोरी चीनी, तो दो कटोरी आपको पानी लेना है। तो चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं सूजी का हलवा, माय फेवरेट सूजी का हलवा। सो गाइस, सबसे पहले मम्मी क्या करना है? सूजी को भूनना है ना? हाँ, सूजी को भून देंगे अब हम। मंदी गैस पे भूननी है, बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है आपको। तो जल जाएगी सूजी। और ये कटोरी घी। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, ये पता नहीं यहाँ पे हमारा कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये बुलेट वाले को भी आना था। और हमें एक कटोरी ही घी चाहिए। मतलब सब कुछ आपको, जैसे एक कटोरी चीनी लिया तो एक कटोरी सूजी, एक कटोरी घी, और पानी दो कटोरी होना चाहिए। पानी डबल होना चाहिए। पानी इसमें डाल के वो किलो चीनी। अगर आप चाशनी बनाना चाहते हो तो आप चाशनी भी बना सकते हो, या डायरेक्ट डालना चाहते हो चीनी तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो। सो इसको भूनना है। सो मिलते हैं, इसको भून ले तब मिलते हैं। सो गाइस, चाशनी बनाने के लिए आपको चाहिए दो कटोरी पानी, और उसमें हम डाल देंगे एक कटोरी चीनी। बस उबालना ही है, इसको उबालना ही है बस। चाशनी नहीं बनानी, चाशनी नहीं बनानी इसकी, बस इसको उबाल देना है, फिर इसको हलवे में डाल देंगे। आज मुझे पता चल रहा है कुकिंग करना बहुत मेहनत का काम है। हम बस खाने आ जाते हैं कि मम्मी क्या बनाया है, मम्मी क्या बनाया है, बट बहुत मेहनत है भाई। सो गाइस, अब मम्मी घी डाल रही है सूजी में, तो साथ साथ भी भून सकते हो आप सूजी और घी को मिक्स करके। जैसे कड़ा प्रसाद नहीं होता वाला, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। तो आप इकट्ठे भी भून सकते हो इनको। सो गाइस, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप बाद में भी डाल सकते हो, जब हलवा पूरा रेडी हो जाए उसके ऊपर से गार्निश कर सकते हो, बट मेरे को कच्चे पसंद नहीं है। सो हम इसी में ही भून लेंगे इनको भी। चाशनी बन गई, चाशनी भी रेडी है। बंद कर देते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। तो गाइस, अब इसमें चाशनी डालने की बारी आ गई है। आराम आराम से डालना है आपको, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप आवाज देख ही सकते हो कैसी आ रही है। बिल्कुल धीरे धीरे डालना है आपको चाशनी को, और इसको थोड़ा स्लोली स्लोली हिलाना है हलवे को। सो गाइस, आप देख सकते हो हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। आई कांट वेट टू ईट। बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देगा जब तक बना। हाँ, मतलब कढ़ाई छोड़नी है हलवे को, तब समझना कि रेडी हो चुका है। सो गाइस, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट डेजर्ट क्या है, आपको मीठे में क्या पसंद है। सो गाइस, हलवा इज रेडी, और अब इसको सर्व करेंगे। आप ऊपर से गोला होता है ना, गोला सूखा, उसको भी घिस के डाल सकते हो, गार्निश कर सकते हो, बट अभी हमारे पास है नहीं। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है वो, बट अभी हमारे पास है नहीं। सो आप देख सकते हो कितना डिलीशियस लग रहा है।
गाइज अब है टेस्टिंग टाइम, मेरी मम्मी टेस्ट करके बताएंगी कैसा बना है। सो मम्मी लेट्स टेस्ट। अच्छा सो करते हैं अब हलवे को टेस्ट। वाह मम्मी कमाल कर दिया बहुत टेस्टी बना है और मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है हलवे में, बट बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा ना कम। सो गाइज अब मैं इसको खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम और भी रेसिपीज लेके आएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।